फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखा है, ऐसा वीडियो एडिटिंग आप भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं और बस 2 से 3 मिनट के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, वो आपको सब कुछ करके रखना है। उसके बाद एडिटिंग बहुत आसान है, आप अपने मोबाइल से एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एडिटिंग करने के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। एंड आप जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा वो स्पेस का जो लाइट है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर होना चाहिए। डैट मीन कि लाइट का जो फ्रिक्वेंसी है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए, एक समान लाइट आपके चेहरे आपके बॉडी पे पड़ना चाहिए। एंड दूसरा चीज, आपका जो मोबाइल का एंगल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। आपका जो मोबाइल का एंगल है वो हिलना नहीं चाहिए, वरना आपका वीडियो खराब हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद क्या करना है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, जब वीडियो शूट करेंगे तो पहला वीडियो आप शूट करेंगे, कुछ सेकंड का वीडियो शूट करेंगे, वो वीडियो कुछ इस तरीके से आपको शूट कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा वीडियो कुछ इस तरीके से आपको शूट कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, जब आप दोनों वीडियो शूट कर लिए हैं तो आपको जरूरत पड़ता है एक एप्लीकेशन का, ठीक है। मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, उस एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, जो कि बहुत बढ़िया वीडियो एडिटिंग करता है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है काइन मास्टर को। डाउनलोड करने के बाद आसान से उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसको लॉग इन कर लीजिए एंड उसको ओपन कर लीजिए। और चलिए, ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसको हम लोग कैसे वीडियो एडिट करेंगे। चलिए चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, बाकी का प्रोसेस अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में प्लस का जो साइन है उसको आपको क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है क्योंकि आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि आपका जो वीडियो आप जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं। मैं लैंडस्केप बनाना चाहता हूँ, तो 16:9 रेशियो आपको चूज कर लेना है। यहाँ अगर एड्स आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, काट देना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो वीडियो है फ्रेंड्स कुछ इस फॉर्मेट में आपको आ जाएगा और आपको यहाँ से एडिट करना, आपको फोल्डर पर जाना है एंड आपका जो वीडियो जो आपने रिकॉर्ड करके रखा है उसको यहाँ पे लेना, यहाँ से लेना और अपने फोल्डर पे जाकर और यहाँ से रिसीव करके कुछ चूज कर लेना जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे देखिए, चूज कर लिया, आपके होम पे आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे प्ले करके देख लेना, ठीक है। आपका वीडियो कुछ इस तरीके से जो आपने रिकॉर्ड किया था कुछ ऐसा वीडियो, इसमें से कुछ अनवांटेड पार्ट भी होंगे आगे में जो आपको नहीं चाहिए होंगे, उसको आपको यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के लिए देख लेना कि आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर में देखिए आपको ट्रिम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाना और लेफ्ट ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है, लेफ्ट साइड का जो वीडियो होगा वो कट जाएगा। एंड आपको राइट में भी कुछ वीडियो होगा जहाँ पे आपको नहीं चाहिए होगा, जहाँ से आपको उस पार्ट को आपको नहीं चाहिए तो आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे ट्रिम राइट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा ना, तो आपको राइट साइड का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल कट जाएगा, राइट साइड का जो वीडियो है वो कट जाएगा। एंड उसके बाद आपको फिर से बैक जाना है एंड बैक जाने के बाद आपको लेयर पे जाना है, लेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है। ऊपर मीडिया ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया पे जाना है एंड आपको वो सेकंड वाला वीडियो आपको चूज करना है जो आपने रिकॉर्ड करके रखा था, ठीक है। दूसरा वाला वीडियो आपको उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आपको जो लेयर हो दोनों लेयर एक समान आ गया एंड ऊपर में आपको कुछ दिख रहा होगा, हलचल वगैरह दिख रहा होगा, देखिए उसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले उसको एडजस्ट करना है, पूरे फ्रेम में दोनों को एक समान फ्रेम में यहाँ पे ला देना, ठीक है। दोनों को एक समान फ्रेम में लाने के बाद आपको दोनों लेयर जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोनों लेयर्स यहाँ पे शो कर, आप चाहे तो वीडियो को प्ले कर लीजिए और प्ले कर देख लीजिए कि मेरा वीडियो कैसा यहाँ पे चल रहा है, दोनों का रेशियो जो कैसा चल रहा है और किसको कहाँ पे काट छाट करना है। तो देखिए, दूसरा वीडियो जो है वो भी हमको यहाँ पे काटना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अनवांटेड इसमें भी है, ठीक है। तो इसको भी हमको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस करना है, लेफ्ट जाके वहाँ पे ट्रिम वगैरह करके इसको हटा लेना, ठीक है। उसके बाद देख लेना कि अब कहाँ से वीडियो मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद नीचे में आना है, उसके बाद क्या करना है आपको स्प्लिट स्क्रीन एक ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है। सबसे मेन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यही है, आपको दोनों का स्क्रीन जो है इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। कौन वीडियो कहाँ पे है उसको दोनों को देखकर दोनों को लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर लेना है और दोनों को यहाँ पे एक जो गैप होता है ना उस गैप को कवर कर लेना है ताकि लगे नहीं कि हाँ एक के सटे हुए दूसरा वीडियो, ठीक है। दोनों अलग अलग वीडियो लगे, सॉरी दोनों अलग अलग आदमी लगे लेकिन वीडियो फ्रेम जो है एक ही होना चाहिए। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन पे जाकर वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ये फोल्डर फिर से खुल गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
इसको बैक करते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसको चला कर देखता हूँ ठीक है। ये एक वीडियो हो गया आपका, एंड दूसरा वीडियो अभी प्ले होगा। जब प्ले होगा तो दूसरा वीडियो आना चाहिए कुछ इस तरीके से ठीक है। अभी दूसरा बंदा आएगा ठीक है। देखिए फ्रेम सेम लग रहा है, बिल्कुल कोई चेंजेस वगैरह नहीं लग रहा है, और एक किस इस तरीके से वीडियो आपका एडिट हो रहा है। यहाँ पे मेरा पहला वीडियो एंड हो गया, तो दूसरा वीडियो गया वो भी यहाँ पे एडिट सॉरी एंड हो जाना ठीक है। जहाँ पे आपका पहला वीडियो ऊपर वाला वीडियो एंड हो रहा है, वहाँ पे आपको दूसरा वीडियो उसको भी एंड कर देना है। तो यहाँ से इसको ट्रिम के भी जाके और राइट साइड जो सेक्शन है उसको काट देना है, और काट कर यहाँ पे हटा देना है ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया। एंड देखिए अब दोनों जो वीडियो बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा, एक तरीके से लगेगा। इसको प्ले करते हैं एंड देखते हैं कैसा मेरा वीडियो एडिट हुआ है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से काइन मास्टर के हेल्प से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, डबल रोल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एक ही मूवी में जो डबल रोल का एक्टिंग होता है ना, उस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल डबल रोल जैसे आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस तरीके से अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड जय हिंद।